नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल को भी सिंह निकल आए हैं। ये सिंह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नेपाल की सरकार ने आज एक अपना तथा कथित ऑफिशियल मैप जारी किया है और उस मैप में जो इलाका उत्तराखंड का ऐड किया गया है वो मैप पे भी दिखने से एक लगता है कि ऊपर बिल्कुल ही नॉर्थ वेस्ट साइड में एक सिंह निकल गया है नेपाल के मैप में। सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि भाई ये अचानक से नेपाल को क्या हो गया, इतनी हड़बड़ाहट में उसने नया मैप क्यों जारी कर दिया। नेपाल में खुशियां मनाई जा रही है कि भाई अब तो ये ज़मीन जो है बिल्कुल अब हिंदुस्तान से छीन लिया जाएगा, चीन के रोल के बारे में कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, किस ज़मीन को नेपाल लड़के हिंदुस्तान से तो नहीं छीन सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी देश अपने कैबिनेट में, अपनी सरकार में, अपने घर के अंदर कोई वर्ल्ड मैप बना दे कि पूरी दुनिया हमारी है, तो उसके लिए तो कोई रोका नहीं जा सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब नेपाल को पता है कि वो छीन नहीं सकता, तब फिर अचानक से ये बवाल क्यों मचा। तो इसको दो टूक शब्दों में समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान में बैठे ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये चीन और नेपाल की जो वर्तमान सरकार है, इन लोगों ने हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की है। मैं आगे जो बताने जा रहा हूं इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये नेपाल वो नेपाल नहीं है जिसके लिए हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में प्रेम है, मोहब्बत है। अब वो नेपाल नेपाल नहीं रहा जिसके लिए हम बड़े गर्व से कहते थे कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा और ना ही वहां की कोई सरकार है जो हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वहां एक पंगु सरकार है, चीनी एजेंट्स की सरकार है। वहां पे जो वर्तमान सरकार है वो वामपंथियों की सरकार है, जिन लोगों ने नेपाल में जनसंहार किया, हजारों हजार लोगों को अपनी गोलियों से भून दिया, वही लोग आज राष्ट्रपति बने हुए हैं, वही लोग प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। और जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे उनको वहां पे आइसोलेट कर दिया गया है। और इसलिए आप देखिए, आप गूगल कीजिए, आपको वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में मालूम चलेगा। छोटा सा मुल्क है, ये सारे जो नक्सली किस्म के लोग थे, इन लोगों ने वहां पे जबरन गोली के दम पे, चाइना के पैसे पे, चाइना के हथियार के द्वारा वहां पे भोले भाले नेपालियों को जो है इन लोगों ने डरा धमका करके, डेमोक्रेसी का एक छलावा दिखा करके वहां पे सत्ता पे ये लोग काबिज हुए हैं। इसमें हिंदुस्तान के कुछ बहुत सारे गद्दारों का नाम इसमें शामिल है जो वहां की पूरी सिस्टम को इन लोगों ने बदला। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का। दिल्ली में वो मीटिंग क्या करते थे कि कैसे वहां के राजा को बर्खास्त किया जाए। जब तक वहां पर राजा थे, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। हिंदुस्तान में बैठ करके एक साजिश के तहत नेपाल में वहां की मोनार्की को खत्म किया गया। और तो और वहां पे जो अच्छा नक्सलिज्म आ गया वहां पे, जैसे अभी यहां पे बस्तर में बैठे हुए जैसे अर्बन नक्सल्स हैं, कल भी वहां पे बसों को सीआरपीएफ के जवानों को जो है शहीद किया है इन लोगों ने। कोरोना से दो पूरी दुनिया लड़ रही है, ये लोग वहां बॉम्ब विस्फोट कर रहे हैं। तो नेपाल भी ये पूरी तरह से माओइस्ट के चंगुल में फंस गया, जहां चीन से पैसा आ रहा था और ये लोग नेपालियों को मार रहे थे, एक एक करके इलाके को अपने कैप्चर में लेते आ रहे थे। और फिर वहां पे हिंदुस्तान येचुरी, वहां पे नेपाल में एक कहा जाता है येचुरी फॉर्मूला, जिन्होंने ये हिंदुस्तान में बैठ के, ये जेएनयू में बैठ के, जेएनयू में मीटिंग होती थी सब चीजों के लिए, जहां पे बैठ करके इन लोगों ने वहां के कम्युनिस्टों को, नक्सलियों को, जो लोग हत्यारे थे उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनवाया। गरीब मुल्क है, इस तरह की प्रोसेस को वहां के लोग भोले भाले हैं, इस गरीबी है इसलिए इस तरह के प्रोसेस के खिलाफ ये लोग आवाज नहीं उठा सके
और वहां पे सब कुछ बदल के रख दिया गया है। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति यह है कि वहां पे एक कठपुतली, चाइना की कठपुतली सरकार है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, बार बार इस चीज को समझिए, कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के किसी भी देश में हो, उसका लीडर वही होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चेयरमैन होता है। ये वही वामपंथी हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर में नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर, तब ये लोग यही कहते थे, चाइना द चेयरमैन, हमारे चेयरमैन, माने चाइना का जो चेयरमैन है वही हमारा चेयरमैन है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई चेयरमैन नहीं होता। तो इस बात को समझना जरूरी है। अब सवाल क्या है कि अचानक से ये बवाल क्यों मचा? बवाल इसलिए मच रहा है कि चाइना के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे हैं, उसकी स्थिति खराब हो रही है और हिंदुस्तान चाइना का एक अल्टरनेटिव बनकर के उभर रहा है। इसलिए लगातार हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, और ये इस तरह का गेम खेल करके ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी जो है चीन की तरह विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है, वो दूसरे देशों की जमीन को हड़पने वाला कंट्री है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम उस जिस जगह की बातचीत हो रही है वो अभी से नहीं, 1816 से उस जगह पे हमारा अख्तियार रहा है। बहुत सारी बातें कही जा रही है, बहुत सारा इतिहास है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं, ये जो लेफ्ट कबाल के जो सारे वेबसाइट्स हैं, आप जाइए इसके ऊपर, वायर के ऊपर जाइए, आप स्क्रॉल पे जाइए, वो नेपालियों से लिखवा रहे हैं, नेपाली एक्सपर्ट्स नेपाल के नागरिकों से लिखवा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान का पोजीशन जो है वो खराब है। आज एक आर्टिकल आया, वो लिख रहे हैं कि नहीं 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 चाइना का इसमें कोई रोल नहीं है। आप चाइना की दलाली करने बैठे हुए हो हिंदुस्तान के अंदर में, आप क्या सिखाना चाह रहे हो कि चाइना की वजह से नहीं हुआ, ये तो हिंदुस्तान की गलती है। और मैं बता रहा हूं कि दो तीन तरह की थ्योरी फ्लोट की जा रही है। पहला ये, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लाखों लाख में हिट्स जा रहा है और लोगों का दिमाग उसमें, वो होता क्या है कि गलत सूचनाओं की वजह से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि भाई देखिए, ये इसलिए ऐसा हुआ है कि चूंकि नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं, जब से मोदी सरकार आई है हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं। अरे ये वो पड़ोसी नहीं है, अब वहां पे वामपंथियों की सरकार है। ये लोग तो जहां बैठेंगे ये तो भस्मासुर हैं, जिस भी देश में पहुंचते हैं, जिस भी देश में सत्ता में आते हैं, उस देश का सर्वनाश किए वहां से वो मुक्ति नहीं पाते हैं। ये पूरा ये इनका इतिहास है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार की गलती की वजह से नेपाल जो है वो चाइना, अरे वहां पे चाइनीज तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ये क्यों नहीं बताते लोगों को? और एक कहा जा रहा है कि भाई वहां पे रेलवे लाइन बनाया जाएगा। रेलवे लाइन आसान है, ये थ्योरी दी जा रही है, बाकी सब लोग करेंगे। देखिए कि मोदी की वजह से चाइना जो है नेपाल में घुस गया और नेपाल में अब तो वो चीन जो है रेलवे लाइन काठमांडू तक बनाने वाला है, कुछ लोग कहते हैं यूपी तक बनाने वाला है। तो मैं इस पर जरा से रिसर्च करने की कोशिश की भाई कि क्या वाकई कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो नेपाल के लोग ही कह रहे हैं कि ये पेपर प्रोजेक्ट है, ये डिप्लोमेटिक हवाबाजी है। वो हवाबाजी इसलिए है कि आप हिमालय पहाड़ उसकी खाई को आप मैंने बिल्कुल चीरते हुए रेलवे लाइन बना लेंगे। लासा से तो आगे इनकी रेलवे लाइन अभी तक बनी नहीं है, अभी तक कोई वहां पर रिपोर्ट तक नहीं तैयार हुई है। पिछले साल वहां की सरकार ने अनाउंस तो कर दिया लेकिन कोई बजट एलोकेट किया। नेपाल में लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसे कौन देगा? चाइनीज पैसे देंगे? चाइनीज कह रहे हैं कि भाई तुम पैसा दो, जैसे पाकिस्तान को फंसा रखा है ऐसी पेक में कि पैसा हम लोन देंगे, आप बनाओ, क्या करोगे वहां पे, क्या करोगे? नेपाल से कोई सामान जाएगा? नेपाल में बनता क्या है? एक इंटरव्यू में देख रहा था वहां के प्राइम मिनिस्टर ओली साहब का, उनसे पूछा गया कि भाई अगर रेलवे लाइन बनेगी तो आप यहां से क्या भेजोगे, तो बोलते हैं मिनरल वाटर। अरे तिब्बत में मिनरल वाटर का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप चाइना भेजोगे मिनरल वाटर यहां, और इसलिए आप इतना ज्यादा लागत से आप जो है वो ये करोगे? पूरी दुनिया में कोई इन्वायरमेंट का कोई चक्कर नहीं है कोई? मेरे कहने का मतलब है कि ये हिंदुस्तान में लोगों को बरगलाने के लिए,
ये लोग, ये हिंदुस्तान का जो जो लेफ्टिस्ट जो चाइनीज एजेंट्स बैठे हुए हैं मीडिया में, वो ये समझा रहे हैं कि सरकार की गलती की वजह से चाइना जो है वहां घुस गया है। ये दरअसल बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से खड़ा हो रहा है उस हिसाब से ये जो चीन की जो का जो गेम है कि नेपाल को, पाकिस्तान को चारों तरफ से कुछ ऐसे मुद्दों को उलझा दो कि ताकि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है, इसका जो नॉन एक्सपेंशनिस्ट जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर प्रहार किया जाए। और इस प्रोपेगेंडा में नेपाल उसमें शामिल हो गया है। नेपाल के लोग शामिल नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूं, नेपाल की सरकार वो अलग है, नेपाल के लोग अलग हैं, वहां इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूरा मसला अचानक से उठा कैसे? तो नेपाल में बताया जा रहा है कि वहां के कुछ लोग रिसर्च करने लग गए। तो रिसर्च कैसे कर रहे थे भाई? तो ये रिसर्च कौन कर रहा था? नेपाल में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी में सब रिसर्च हो रहा था? और कहां से इनको सारे मैप्स वगैरह मिले? तो हमने जब इसके ऊपर खंगालना शुरू किया तो मालूम चला ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे लोग तो जेएनयू में पढ़ के गए हैं। और ये सारा बवाल, सारे मैप हिंदुस्तान के आर्काइव से उनको मैप दिया गया, चाहे वो 1827 का मैप हो, चाहे वो 1861 का मैप हो, 1871, 1877, ये सारे मैप्स जो है उनको हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस ने उनको वो दस्तावेज देकर के ये बवाल खड़ा करवाया है कि ताकि आप हिंदुस्तान के साथ एक नया विवाद खड़ा कर सको। हकीकत क्या है, अगर आप गूगल करेंगे, बहुत सारे जगह पर जाएंगे, आपको इसकी पूरी वस्तुस्थिति मिल जाएगी कि ये जो इलाका है इसके इतिहास को भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि वो जमीन, वो जो इलाका है उस पे हिंदुस्तान का लेजिटिमेट राइट है। और क्यों है वो दो मिनट में आप समझ जाएंगे। दरअसल 1816 में एक ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नेपाल के राजा के बीच में एक संधि हुई थी, उसको सुगौली कहते हैं, सुगौली संधि। और उसके पहले क्या था, उसके पहले ये जो नेपाल का जो राज्य था वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां तक वो फैला हुआ था। तो नेपाल के राजा जब हार गए तो उन्होंने उस जगह पे संधि की और बॉर्डर बनाया। तो वहां पे उस समय वो काली नदी कहलाती थी। तो काली नदी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो नेपाल को चला गया और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिंदुस्तान में, वो ब्रिटिश इंडिया में वो शामिल हो गया और वही अब इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब नेपाल के लोगों का क्या कहना है कि ये जो काली नदी जो है वो दो जगह से निकलती है, क्योंकि पहाड़ है ना। अब जैसे गंगा है, गंगा में तो देवप्रयाग से पहले गंगा तो दो जगह, अलकनंदा और भागीरथी अलग अलग जगह से जा रही है। तो अगर ये कहें कि भाई गंगा नदी के इधर नेपाल है और उसके उधर हिंदुस्तान है, तो अगर हम अलकनंदा को मान लेंगे तो मालूम चलेगा कि उत्तरकाशी जो है वो हिंदुस्तान में आ गया। और अगर हम ये मान लें कि भागीरथी जो है वो दरअसल में गंगा है, तो इधर का इलाका जो है वो नेपाल में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वो कभी भी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन इसका फैसला कैसे होगा? उसका फैसला तो वैसे ही होगा कि इस संधि के बाद से ये जमीन का जो टुकड़ा है वो किसके पास हमेशा से रहा और किसने इसे मैप में दिखाया। नेपाल अभी मैप में दिखा रहा है, इसका मतलब है आज से पहले नेपाल के पास कोई ऐसा एक भी मैप नहीं है कि जहां ये जो विवादित जमीन तथा कथित है जो हिंदुस्तान का इलाका है वो नेपाल का हिस्सा हो। अब हिंदुस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां से ही मानसरोवर जाने का रास्ता है और हिंदुस्तान ने वहाँ पे एक सड़क बना ली है ताकि जो हमें सिक्किम होकर के जाना पड़ता था या नेपाल होकर के मानसरोवर की यात्रा में जाना पड़ता था, वो अब हम उत्तराखंड से सीधे जो गाड़ी से ही चलते चले जाएंगे वहाँ पे। तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। अब सवाल ये है कि जो नेपाल की तरफ से कहा जा रहा है, बहुत सारे हिंदुस्तान में भी लोग आर्टिकल लिख रहे हैं कि वो तो ठीक है लेकिन नदी के उधर भी जो है हम लोगों को हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था, वो नेपाल का इलाका। बहुत सारे लेफ्ट पीपल कमाल ये बवाल मचा रहे हैं। है क्या जमीन के ऊपर कि वहाँ पे जो जो काला पानी एक जगह है वहाँ से आप आगे बढ़ते तो एक
ओम माउंटेन है, तो ओम माउंटेन के ईस्टर्न साइड से वो नेपाल चला जाता है और वहीं पे चाइना का बॉर्डर भी शुरू होता है, और इसके इधर का इलाका जो है वो हिंदुस्तान के पास शुरू से रहा है, जहाँ से मानसरोवर जाने का रास्ता रहा है। अब सवाल ये है कि वहाँ पे हमारी तो आर्मी भी है, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी लोग हैं, वहाँ पे ITBP वाले लोग भी हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी उस पूरे इलाके में हिंदुस्तान का प्रेजेंस अभी से नहीं शुरू से रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये नेपाल के लोग अभी, ये जो नेपाल की जो सरकार है, वामपंथी सरकार, इनको बहुत ज़्यादा प्रेम आ रहा है चाइना से। जब 61-62 की जो वॉर हुई थी उसके पहले जब चाइनीज, तो वो तो कैप्चर करना चाहते हैं सब कुछ। इस सरकार को तो जरा सा, ये तो बेशर्म सरकार है नेपाल की। क्या अभी कुछ दिन पहले चीन ने माउंट एवरेस्ट को दिखा दिया था कि वो नेपाल के अंदर है, वो चीन के अंदर है, वो मैप जारी हुआ था, तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। यही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बिलबिला गए, उनको समझ ही नहीं आया कि अब अपने आका को कैसे हम कहें कि नहीं भाई एवरेस्ट को तो छोड़ दो कम से कम, तो ये भी वो बोल नहीं सके। तो 60s के दौरान जब हिंदुस्तान और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो वो नेपाल को भी डर लग रहा था, तो उसके बाद वहां पे हिंदुस्तान की 18 पोस्ट जो चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे लगाई गई थी, और 60s के एंड होते होते एक संधि के तहत, बातचीत के तहत वो सारे पोस्ट को हटाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सारे पोस्ट हटा लिए गए तो ये काला पानी में जो हिंदुस्तान का जो पोस्ट है उसको क्यों नहीं हटाया गया? अगर उस समय भी जो वहां पर राजा थे वो अगर ये कहते कि ये हमारा इलाका है, बाकी हर जगह से हट रहे हो, यहां से भी हट जाओ, लेकिन वहां से तो वो हटे नहीं, वो तो हिंदुस्तान तो वहां पे रहा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग शुरू से ही, ये 1816 के बाद से, सुगौली संधि के बाद से ही हिंदुस्तान के कब्जे में वो इलाका रहा है नेपाल के पास। ये साबित करने के लिए कि वो इलाका हमारा है, बस यही थ्योरी है कि ये जो काली नदी है उसका जो सोर्स कहाँ है, तो काली नदी का सोर्स तो कम से कम हिमालय में, अगर हम ये, अगर जिस लॉजिक के साथ ये बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से कम 50 उस तरह के सोर्स को जो है पिन पॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें पहाड़ के अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें ज्वाइन करती है, तो कोई भी ट्रिब्यूटरी को आप ये मान लो कि वो मेन नदी है तो ऐसे थोड़ी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो नेपाल को इस बात के लिए प्रूव करना होगा कि हमने, यानी हिंदुस्तान ने उस ज़मीन के ऊपर आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले कोई लड़ाई के तहत उसके, उसको जो है अपने कब्जे में लिया था। ये विवाद कोई विवाद नहीं है, किसी हिंदुस्तानियों के मन में एक ज़रा सा भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि चाइना कुछ भी कर ले, नेपाल कुछ भी कर ले, ये जो इलाका है, जो मानसरोवर जाने का जो लेपू लेक का जो रास्ता है वो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का हमेशा रहेगा। लेकिन पहचानना उन गद्दारों को है कि जो साउथ दिल्ली में बैठ के इस तरह का षड्यंत्र हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं। आप देखते रहे कैपिटल TV, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।